offered. Your offer for me? Yes. Coffee? Oh, thank you so much. Thank Definitely you. I'll come. Okay. What's your name? My name is Dunya. Dunya? Yes, nice. Oh, nice to meet you too. सही कह रहा हूँ ना? कोई कोई लोग सच में यार मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब स्टैचू ही है. नमस्ते. Egypt mummy. Ah, you from Paris? Germany. Germany. Oh, I know. Danke, danke. तो जबरदस्ती लड़कियां लाती है कि चलो 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 ये स्ट्रीट पे चलो. All thanks to you. My pleasure. See you soon. Thank you so much, Dunya. ये मैं सामने ही मोनालिसा जी की तस्वीर देख रहा हूँ. मेरे हिसाब से यही कहीं पे होगी मोनालिसा मैडम की रियल पेंटिंग. Hey guys, good morning और स्वागत करता हूँ आप सभी का पेरिस से दोबारा. आज के दिन में ना हम सारे ही अट्रैक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे पेरिस सिटी के. लगभग सारे तो नहीं बोल सकता लेकिन जितने हो सके उतने. तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है बिकॉज आपको भी इस वीडियो में बहुत सारे पेरिस से रिलेटेड अट्रैक्शंस देखने को और अनुभव करने का मौका मिल जाएगा. क्या जगह है ना, बहुत खूबसूरत है. ये हम आ चुके हैं लोवर म्यूजियम जो कि नंबर वन म्यूजियम है पेरिस का ही नहीं पूरे फ्रांस का, प्रोबेबली पूरे यूरोप का हो सकता है बिकॉज यहाँ पे है मशहूर पेंटिंग दुनिया की मोनालिसा ओरिजिनल वाली. जी हाँ यही पे है. तो हम कवर करेंगे वो भी बिकॉज हम अंदर जाने वाले हैं ना. टिकट्स वगैरह प्राइस कहाँ से मैंने ऑनलाइन खरीदी सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा बिकॉज फिर एंट्री नहीं मिलेगी जो मैंने स्लॉट खरीदा है. 15 मिनट ही बचा है टाइम को तो अपन एक बार एंटर हो जाते हैं फिर सारी चीज़ें बताता हूँ. ओ भाई साहब ये लाइन है तो ये हमने लगा दिया लाइन क्योंकि ऐसे तो ऑनलाइन टिकट हमने खरीदी हुई है जो कि सबने ही खरीदी है लेकिन ऐसा लाइन लगाना पड़ता है क्योंकि वो बारकोड फिर स्कैन होगा फिर अंदर सिक्योरिटी चेक होगा उसके बाद आपको इस म्यूजियम में एंट्री मिलेगी. दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम माना जाता है वन ऑफ द. और अगर फ्री एंट्री चाहिए क्योंकि इसका एंट्री फीस फॉर एडल्ट 17 यूरो यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 1600 रुपीज़ से थोड़ा कम बस. लेकिन अगर उतना खर्चा नहीं करना है तो आप फ्री एंट्री करके वो पिरामिड वगैरह है ना उधर आप फोटो वोटो खींच सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो बाहर से. और अगर आपको आर्ट से प्यार है मोनालिसा की पेंटिंग से प्यार है मतलब देखना है तो जाहिर सी बात है फिर आपको 17 यूरो की टिकट खरीदनी पड़ेगी. मैं इधर से भी देख पा रहा हूँ यार कुछ कुछ अमेजिंग चीज़ें बढ़िया है यार. एनीवेज मैं वही कह रहा था कि 17 यूरो में आप अंदर जाके एक घंटा दो घंटा जो मर्जी जितना मर्जी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. इजिप्ट से रिलेटेड फ्रांस से रिलेटेड काफ़ी आर्टिक्राफ्ट और पुरानी चीज़ें मिल जाएगी. और अगर टिकट कहाँ से बुक करनी है तो भाई साहब ऑनलाइन तो इनके वेबसाइट से कर ही सकते हो या फिर गेट योर गाइड जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा उतना ही लगेगा और आपको फास्ट और ईजिली मिल जाएगा. मैं तो वही प्रेफर करता हूँ चाहे दुनिया भर में जो भी सिटीज़ में एक्सपीरियंसिस करने रहते 50-60 हज़ार एक्सपीरियंसिस इनके ऐप में इनके वेबसाइट में मिल जाते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ लोवरे का. जब भी आओ यहाँ से आप बुक करो बहुत फास्ट आपको टिकट और जीरो कमीशन में आपको मिल जाएगा. या अम्ब्रेला एंट्रेंस विद टिकट. फर्स्ट अम्ब्रेला एंट्रेंस एंट्रेंस विद टिकट. ओके करेक्ट फर्स्ट अम्ब्रेला. ओके परफेक्ट वन नो टिकट लास्ट वन टिकट लास्ट वन नो टिकट फर्स्ट वन टिकट. थैंक यू सो मच मर्सी. कम बैक फॉर कॉफी एट कैफे मारी आई विल बी इट विल बी ऑफर्स. ओके योर ऑफर फॉर मी कॉफी. ओ थैंक यू सो मच डेफिनेटली आई विल कम. व्हाट्स योर नेम. Dunya? Yes, nice. Oh, nice to meet you too. In Hindi, I'm from India, so in Hindi, Dunya means world. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. I'll come back soon. Visit. Yeah, definitely. I'll come back. Bye. तो भाई साहब वो जो लाइन में लगा था ना वो फ्रेंच अगर आपको गाइड चाहिए तो मतलब वो जो फ्रेंच में सब बताएगा कि ये इधर है ऐसा है नहीं ये इधर वैसा है मतलब भाई साहब मैं क्या करूँगा मैं तो इंग्लिश मेरे को जानना है या फिर हिंदी बता दो अगर है तो. आगे जाओ आपके पास ऑनलाइन टिकट ऑलरेडी है तो दो अम्ब्रेला है जिसके पास टिकट नहीं है तो ये अम्ब्रेला के पास और जिसके पास ऑनलाइन टिकट है तो फर्स्ट अम्ब्रेला के पास. जो भी अम्ब्रेला है भाई दोनों साइड लाइन ही लाइन है. लेकिन ये पिरामिड देख लो कितना शानदार है. इधर कोई टिकट की जरूरत नहीं है इधर आप फुकट आ सकते हो. और वो मोहतरमा उन्होंने मेरे को कहा कि आ जाओ घूम फिर के कॉफ़ी का मैं ऑफर करती हूँ मेरी तरफ से. मैंने बोला ठीक है देखते हैं अभी मेरे को याद रहना चाहिए क्योंकि 1-1.5 घंटा इसमें भी लगेगा दिमाग से अगर निकल गया तो इधर से किधर और चले जाएंगे डायरेक्ट फिर याद आएगा अरे यार या फिर दिमाग में रहेगा ज़रूर कॉफ़ी पी लेंगे क्या ही दिक्कत है ना.
तो गाइज ये फाइनली हम एंटर कर चुके हैं म्यूजियम में। आप देख सकते हो शेल के नीचे है वो पिरामिड का, एकदम सेंटर ऑफ पिरामिड के नीचे है। अब देखते हैं कि यहाँ से कहाँ कहाँ जाए और क्या क्या देखे। बता दूँ कि मेरे को वेटिंग पीरियड कुछ नहीं लगा। इसका कारण ये है कि दुनिया जी आई, उन्होंने बोला कि चलो मैं एंट्री करवाती हूँ। मैं बोला कहाँ से? बोला कि चलो मैं करवाती हूँ। बोला ठीक है, गया। उन्होंने वो जो रहता है ना वो रिबिन, वो खोला ऐसा, मेरे को अंदर भेज दिया। मज़ेदार था यार। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ये मैं सामने ही मोनालिसा जी की तस्वीर देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से यही कहीं पे होगी मोनालिसा मैडम की रियल पेंटिंग। पहले वही देखने की इच्छा है मेरी, वो देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और है। यहाँ पे सब ऑडियो गाइड्स है, अलग अलग लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश में अगर आप चाहते हो तो। कुछ अलग से पैसा रहेगा इसका, जिसके द्वारा आप जैसे जैसे जगहों पे जाओगे ना वैसे वैसे वो खुद आपको हेडफोन्स में बताते जाएगा कि भाई इधर क्या है और कब बना था और ये क्यों है ना कैसा है। ओहो, मोनालिसा तो दिखी नहीं, मम्मी दिख गई। मम्मी इजिप्ट की मम्मी, मतलब आप कह सकते हो। इज दिस इजिप्ट मम्मी और फ्रेंच मम्मी? इजिप्ट मम्मी। हाँ, यू फ्रॉम पेरिस? जर्मनी। ओ आई नो, डंके डंके। बाय बाय। ए शेरू, क्या बोलता है शेरू? यहाँ पे देखो सब क्या क्या आर्ट क्राफ्ट है, मतलब जिसको आर्ट से प्यार है ना सही में उसको तो मज़ा ही आ जाना है। वाह 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 वाह। मेरे को इधर आते ही कौन सी मूवी की याद आई पता है? इश्क पिक्चर पता है, आमिर खान, अजय देवगन, काजोल, जूही चावला की। उसमें ऐसा सीन रहता है ना कि वो इधर का पार्ट टर्न हो जाता है, फिर वो बोलता है वाह वाह क्या कलाकारी है, क्या बनाया है, मतलब ज़ोरदार। मेरे को उसी की याद आ गई वो सीन की। दिख गई दिख गई, इस तरफ है, ठीक है। कोई कोई लोग को देख के ऐसे लगता है कि वो भी ऐसा स्टैचू बन के खड़े रहे ना, सच में कोई नहीं बता पाएगा कि वो भी मूर्ति है या इंसान है। सही कह रहा हूँ ना, कोई कोई लोग सच में यार मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब स्टैचू ही है। नमस्ते भाई, इधर इतनी भीड़ क्यों है? अच्छा, टाइटैनिक की याद आ रही है। माय गॉड, क्या क्या चीज़ें, और स्पेशली पेंटिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मैंने आज तक कभी नहीं देखी, सच कह रहा हूँ। ये सारे ओरिजिनल पेंटिंग है, 17th century, 18th century की पेंटिंग्स है। उसके पहले ना यहाँ पे लोग बिलीव करते थे, यहाँ पे नहीं मतलब कोई भी ये लोग स्कल्पचर्स या फिर पेंटिंग्स बनाते ना सिर्फ भगवान से रिलेटेड ही बनाते हैं, ह्यूमंस और नेचर का। उन्होंने 15th सेंचुरी के बाद से, रिनाइसेंस पीरियड आप बोल सकते हो, पीरियड का नाम है जब उन्होंने सोचा कि बस अभी सिर्फ भगवान का नहीं बनाते, ह्यूमंस का बनाते हैं, नेचर का बनाते हैं। ये आप देख रहे हो उस हिसाब से मतलब इन्होंने पेंटिंग्स चालू की थी बनाना। इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मैंने आज तक कभी नहीं देखी है, सच कह रहा हूँ। और यहाँ पे हर पेंटिंग्स की अलग स्टोरी, अलग कहानी और नीचे लिखी भी गई है। अगर ये पेंटिंग की बात करूँ, ज़्यादा फोकस तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप नीचे पढ़ लो आपको आइडिया आ जाएगा। ये बनाई गई थी अर्ली 19th सेंचुरी में। भाई साहब इधर मोनालिसा को देखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, सच कह रहा हूँ। मतलब इतना अंदर रखा गया है ना कि राइट ने लेफ्ट ने फिर आगे ने पीछे ने ऊपर ने नीचे ने, हालांकि हर जगह साइनेज तो है तो आपको पता तो चल ही जाता है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओ हो हो, भीड़ तो देखो ये रूम में। मोनालिसा जी दिख भी गई मेरे को। तो ये जो मोनालिसा जी की पेंटिंग है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि आगे इसके बारे में सब लिखा गया है कि कब बना था और दो बार चोरी हुआ था। जी हाँ, दो बार चोरी हुआ था। एक तो 1920 में ही हुआ था इसी म्यूजियम से, क्योंकि ये 13th सेंचुरी का है। ये ऐसा नहीं कि अभी अभी बना है, 13th सेंचुरी का ये म्यूजियम है, फाउंडेशन तब से हुआ है। ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने ये बनाया था ना मोनालिसा की पेंटिंग, उन्होंने कभी फिनिश ही नहीं की थी, बिकॉज ये जो एरिया है ये अभी भी बाकी है, मतलब ये बना ही नहीं था पेंटिंग का। और इन्होंने 1503 से शुरू किया था और कभी ख़त्म नहीं किया, और ही टुक इट विद हिम एवरी वेयर ही वेंट अंटिल हिज फाइनल ट्रिप टू फ्रांस इन 1516। मतलब 1516 साल में यहाँ पे आ चुकी थी मोनालिसा की पेंटिंग, और उसके बाद यही रही है। हालांकि दो बार चोरी हुई थी, इनफैक्ट एक बार तो 1920 में ही हुई थी इस म्यूजियम से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग है ना, हर एक पेंटिंग की अपनी एक कहानी है। अभी यही पेंटिंग देख लो, बड़ी तो है लेकिन कितनी वायलेंट लग रही है ना। इसकी कहानी क्या है कि 1612 से 1617 में ये पेंटिंग बनाई गई थी आर्टिस्ट के द्वारा, और वो आर्टिस्ट ने एक इमेजिनरी फॉर्म में गुस्से से, खुन्नस से बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोफेसर के द्वारा रेप हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने गुस्से में ये पेंटिंग बनाई थी। आप अभी समझ ही सकते हो, है ना। अजी ऐसी कहानियाँ तो भरपूर आपको मिलेगी दुनिया भर में, और सबसे ज़्यादा कहानियों का रीज़न यही रहेगा कि भाई साहब हम मनुष्य है ना, जो प्राणी है ना, सबसे बेकार प्राणी है, सच कह रहा हूँ।
डारी रिंग द ओनली वन फॉर अ लाइफ टाइम। बात तो सही है लेकिन कितने की है भाई ये रिंग? 2,540 यूरो, मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास। क्या बात है। चलो एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, मज़ेदार था। ये मैंने 1 यूरो देकर बॉटल भी खरीद ली, हालांकि स्टोर में तो आधे में मिल जाती है आई नो, लेकिन स्टोर यहाँ पे नज़दीक में अभी है नहीं ना, वही बात है। चलो मैं बाय कर लेता हूँ दुनिया जी को भी। आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन एंट्री। या श्योर। या ओ थैंक यू। I don't eat whipped cream because it may contains egg and I'm vegetarian. Okay, so maybe a coffee? Hot chocolate? Hot chocolate? Yeah, perfect. Okay, thank you. Thank you. Merci. वाह क्या नज़ारे हैं ना एकदम। पहले होता ना मेरे को ऐसा शर्म लगती, लेकिन अभी इतना मैं मेहनत करता, लाइक ऐसा ट्रैवल ब्लॉगर बन गया हूँ कि इनविटेशन आए ना आए, मतलब अभी इतना शर्म नहीं आता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि ठीक ही है ना, अभी क्या ही दिक्कत है। कभी हम ऑफर कर देते लोगों को, कभी लोग हमें ऑफर कर देते, वही बात है। ले कैफे माली। मर्सी। वैसे ये कैफे बहुत फेमस है, मुझे अभी पता चला, मतलब लाइन लगानी पड़ती है सीट्स के लिए। वाह क्या बात है, पब्लिक भी अच्छी खासी है यहाँ पे। ऑल थैंक्स टू यू, माय प्लेजर, सी यू सून, थैंक यू सो मच दुनिया, एंड ऑफ कोर्स योर नेम इज सो गुड, आई मीन आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर, सो दुनिया मींस वर्ल्ड, सो वाओ। तो गाइज ये हम आ चुके हैं कॉनकॉर्ड मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहाँ पे ये वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पेरिस का, ये बड़ा सा पिलर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है लुइस फिलिप वन, और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। एनीवेज जो इसका आजू बाजू का कंस्ट्रक्शन है ना, वो सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसका कारण ये है कि 6 दिन पहले ही फाइनल हो चुका है रग्बी वर्ल्ड कप आप कह सकते हो, तो ये पेरिस में होस्ट हो रहा था, सारे मैचेस पेरिस में हो रहे थे, जिसका कारण यहाँ पे बहुत टूरिस्ट क्राउड था जो रग्बी के फैंस है, और 5-6 दिन पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल था रग्बी का, जिसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड थी और साउथ अफ्रीका जीती थी। मेरे को लगा 5 दिन हो गए तो कंस्ट्रक्शन तो पूरा निकल गया होगा, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली यहाँ पे मैच नहीं हुआ था, वो तो स्टेडियम्स में होते बड़े बड़े, लेकिन जैसे अपना IPL में फैन पार्क नहीं होता है, बस वैसा ही यहाँ पे फैन पार्क लगाया गया था, बड़ी सी स्क्रीन थी फाइनल के लिए, ताकि के लोग आ सके एंजॉय कर सके। एनीवेज इसी के सामने मैं देख पा रहा हूँ, जैसा अपना दिल्ली का इंडिया गेट नहीं है, दूर से दिखता है, बस वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ट्रम्प दे आर्क, वहाँ भी हम जाएंगे, वो भी मेन अट्रैक्शन माना जाता है पेरिस का, गेट जैसा दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे इसलिए आया था बिकॉज ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस मानी जाती है पेरिस में, मेरे को इतनी लगी नहीं मस्ट विजिट प्लेस, हो सकता है कि बारिश हल्की फुल्की आ रही है या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से माहौल किरकिरा हो गया है। एनीवेज लेकिन अगर जब भी आप प्लान करो पेरिस तो आ सकते हो, यहाँ पे कोई दूर है नहीं, सिटी सेंटर मतलब लोअर म्यूजियम वगैरह से नज़दीक ही है, और यहाँ से जो आर्क जो हमें जाना है ना, वो ट्रम्प आर्क किधर गया, अच्छा वो गली में था, तो वहाँ तो जाना ही है, तो ये भी नज़दीक ही है, तो आ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरिस में कोई भी मेट्रो ले लो, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी कोई नई, ऐसा नहीं, कोई भी मेट्रो में ले लो, हाँ सीट्स के कलर आपको चेंज मिलेंगे, बाकी कोई भी मेट्रो में सीटिंग्स इस हिसाब से आप देख रहे हो, मतलब अनइवन है, किधर ऐसा है कभी वैसा है, कभी एक है कभी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इस तरफ भी बैठते इस तरफ भी बैठते जो आम मेट्रो में आप देखते हो। तो ये हम आ चुके हैं चैम्प्स एलिसिस, जो कि मेन स्ट्रीट मानी जाती है अगर आप फैशन लवर हो तो, हालांकि ये फैशन सिटी बोलते हैं इसको पेरिस को, लेकिन ये जो स्ट्रीट है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीट है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारी ब्रांड्स है, जितने भी बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स है सब आपको मिलेंगे, चाहे वो लुई विटॉन हो, डियोर हो, टिफनी एंड कंपनी हो, चैनल हो, क्या पता क्या प्रोनाउंसिएशन होता है कुछ कुछ का मेरे को भी नहीं पता, लेकिन पब्लिक यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं जो भी जब भी पेरिस आता है। अभी समझा इधर पब्लिक क्यों आती है, लड़कियां जबरदस्ती अपने पार्टनर को लेके आती है ना, क्योंकि ये तो मेकअप का भंडार है, वो भी अच्छी अच्छी ब्रांडों का, तो जबरदस्ती लड़कियां लाती है कि चलो 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 ये स्ट्रीट पे चलो।
मेरा ना वो ट्रैवल परफ्यूम खत्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पे डियोर के काउंटर पे गया, खरीदा कुछ नहीं, टेस्टर लिया, स्प्रे वगैरह मार दिया, मस्त अभी निकल रहा हूँ बाहर। ये आइला रेड कारपेट पे चल रहा हूँ, जोरदार है ये। चलो टाटा 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 टाटा। ये भाई साहब एप्पल का शोरूम है कि पूरा हवेली है, मतलब कलेक्शन तो जोरदार है, एक से एक वॉचेस। मैंने एप्पल की ऐसे ऐसे वॉचेस तो नहीं देखी बाबा किधर भी, लेकिन ये देख लो कितना बड़ा है। ये तो हॉल है ही है पूरा, ठीक है, इसके अलावा ऊपर भी है, ये बाहर की तरफ तो अंदर झाड़ वाड़ भी लगाया इन्होंने, इस तरफ भी है टैबलेट्स फोन्स, और यहाँ पे क्या है भाई, गेट वगैरह तो जोरदार है। अच्छा ऐसा ही सीटिंग एरिया टाइम पास करने का, क्या बनाया है यार, फोन्स टैबलेट्स टीवीज। तो यह आ चुके हैं आर्क द ट्रायंफ, या फिर आप कह सकते हो पेरिस का इंडिया गेट जी, क्योंकि गेट जैसा कुछ है। हालांकि इसकी नक्शी काम मेरे को अच्छी लग रही है, जो कारीगरी है ना, इनफैक्ट इसमें तो ऊपर जा भी सकते हो आप, 10 से 11 यूरो टिकट फेयर रहता है, आप ऊपर चढ़ाई कर सकते हो, इनफैक्ट पब्लिक गई भी है छतरी लेकर। मैं तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ से व्यूज देखोगे पेरिस का, इससे ज़्यादा बेटर है कि जब आईफिल टावर से आप देखोगे ना, वो ज़्यादा ऊपर है, तो उससे अच्छा व्यूज़ ज़्यादा आएगा। हालांकि यहाँ से आईफिल टावर दिख सकता है आपको, लेकिन अभी बादल है, सनलाइट है नहीं, जिसकी वजह से अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और अभी जाना वर्थ भी नहीं होगा ऊपर, वही बादलों के कारण, बारिश के कारण। हालांकि इतनी फास्ट तो बारिश नहीं आ रही है, हल्की फुल्की आ रही है, लेकिन सनलाइट तो नहीं आ रही है ना, जब सनलाइट नहीं आती है तो वीडियो क्वालिटी या फिर वो मज़ा नहीं आता, व्यूज़ नहीं दिखते प्रॉपर। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा रहेगा, काफ़ी चीज़ें आपने मेरे साथ देखी होगी पेरिस में, यूँ ही बने रहिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल।